Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sugandha Sharma and every Saturday I upload videos on very common topics of English. अगर आप English सीखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे topics हैं जो आपको बिल्कुल miss नहीं करने चाहिए, आपको definitely आने ही चाहिए और इन्हीं topics को pick करके मैं हर Saturday इन पर videos upload करती हूँ. So if you want to learn English, there are three things you can do. First, subscribe to this channel so that you do not miss any video. Second, press the bell icon so that you get notified immediately as soon as I upload the video. And third, go in the description, वहाँ पे आपको एक playlist का link मिलेगा. Playlist का नाम है Learn English, जिसमें मैंने अभी तक जो भी videos बनाई हैं English पे, उन सभी videos को आप वहाँ पे ढूंढ पाएंगे. So you can watch all those videos after finishing this video. आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो के लिए मैंने जो टॉपिक पिक किया है इसका नाम है होमोफोन्स. होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, जिनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन प्रोनंसिएशन सेम होता है. फॉर एग्जांपल, ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल, इन दोनों की स्पेलिंग अलग है, इन दोनों का मतलब अलग है. इस प्रिंसिपल का मतलब है हेड ऑफ स्कूल और इस प्रिंसिपल का मतलब है कोई लाइफ का बेसिक लॉ या कोई बेसिक रूल किसी चीज़ का, और इन दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है. होमोफोन्स ना आने से हमें क्या नुकसान होता है? अगर आपको होमोफोन्स नहीं पता है तो आप कभी भी इंग्लिश बोलने में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो वर्ड्स का मीनिंग आता है वही वर्ड्स बोलेंगे. लेकिन जब कोई सामने वाला पर्सन इंग्लिश बोल रहा है तब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, या आपने कहीं पर इंग्लिश लिखी हुई देखी, आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त उसका मतलब समझने में कन्फ्यूज़न हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कहना चाहता है कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज़, और मुझे सिर्फ इसी प्रिंसिपल का मतलब पता है विच इज़ हेड ऑफ स्कूल. किसी ने बोला कि यार द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज़, और मुझे उस वक्त समझ में नहीं आएगा कि हेड ऑफ स्कूल को हम लाइफ में कैसे ला सकते हैं, ये सेंटेंस में कैसे फिट हो रहा है. सो दैट इज़ वाई, वैसे तो बहुत सारे होमोफोन्स हैं पर मैंने आज के वीडियो के लिए ऐसे 13 मोस्ट कॉमन वर्ड्स यूज़ किए हैं जो आपको डेफिनेटली आने ही चाहिए. जैसे प्रिंसिपल एक बहुत कॉमन वर्ड है, हर जगह यूज़ होता है, तो आपको इनके मतलब आने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. द फर्स्ट वर्ड इज ऑब्वियसली प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, दिस प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ स्कूल एंड दिस प्रिंसिपल मीन्स लाइफ का या किसी सब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का कोई जो बेसिक लॉ होता है या रूल होता है. जैसे प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ साइंस, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसी भी चीज़ का जो रूल होता है. और इस प्रिंसिपल का मतलब है जो स्कूल में जो टॉप मोस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन होता है, जो डिसीजन मेकिंग या जो इम्पॉर्टेंट रूल्स को बनाता है. सेकेंड वर्ड इज देन एंड देन. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूज्ड वर्ड एवर. नॉर्मली जब लोग बोलते हैं देन या देन तो पता नहीं चलता उन्होंने गलती की है, लेकिन फेसबुक पर जब भी कॉमेंट्स पढ़ो या इंस्टाग्राम पर कॉमेंट्स पढ़ो, उस वक्त लोगों ने इतनी कॉमन इन चीज़ों में मिस्टेक की होती है. वेल, इस देन का मतलब होता है, अगर आपको एडजेक्टिव्स पता है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. तीन तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो ये एक तरह का कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल वर्ड में जब आप किसी चीज़ की किसी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं कि ये चीज़ इससे अच्छी है. फॉर एग्जांपल, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये मार्कर इस मार्कर से अच्छा है. सो दिस मार्कर इज़ बेटर देन दिस मार्कर. यहाँ पे हमने जो देन लगाया, जब आप दो चीज़ों के बीच में तुलना कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं दिस ब्रांड इज़ बेटर देन दिस ब्रांड या इनकी सर्विसेज इज़ बेटर देन इनकी सर्विसेज, वहाँ पर जो हम देन यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है, ए वाला, टी एच ए एन. या फिर जैसे हम बोलना चाहते हैं कि शी इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल देन रेस्ट ऑफ हर सिस्टर्स, तो वहाँ पे हमने जो देन लगाया. कहीं पे भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से, वहाँ पे हम जो देन लगाते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव इज दिस इज देन. द सेकेंड देन विच इज दिस वन विद ई, इस देन का मतलब होता है तब. जैसे मैं अगर कोई बात बता रही हूँ कि व्हेन आई वाज गोइंग देन आई सॉ हर या देन आई मेट हर, तो वहाँ पे जब हम देन लगाते हैं, या फिर जैसे एज सून एज आई रीच होम देन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन, तो तब के लिए हम जो लगाते हैं कि जैसे ही मैं घर पहुँचूँगी तब मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगी. तो जिस जो शब्द जिसका मतलब हिंदी में होता है तब, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टी एच एन देन. द थर्ड वर्ड इज वेदर एंड वेदर. इस वेदर का मतलब होता है मौसम, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, जो रोज़ का मौसम होता है. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. जो लंबे समय तक 10 साल 15 साल कहीं का
मौसम जब एक जैसा रहता है। जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, चेन्नई का जो क्लाइमेट है वो बहुत ह्यूमिड है, तो जहाँ पे किसी तरह का मौसम बहुत लंबे टाइम तक रहता है वो वहाँ का क्लाइमेट होता है। लेकिन जो रोज़ बदलता है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी किसी दिन गर्मी पड़ती है या चेन्नई में भी किसी दिन बारिश होती है या ठंड पड़ती है, तो वो वहाँ का वेदर होता है। तो जो रोज़ बदलने वाला मौसम होता है उसको हम कहते हैं वेदर। जैसे जब आप न्यूज़ में देखते हैं तो वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है, क्लाइमेट रिपोर्ट नहीं। सो वो वाला वेदर, मौसम वाला इज दिस वेदर, और इस वेदर का मतलब होता है या, जैसे वेदर शी विल कम और नॉट, कि वो आएगी या नहीं आएगी, या वेदर यू विल लाइक टी और कॉफ़ी। तो वो वाला जो वेदर होता है जिसमें आपके सामने दो ऑप्शंस भी होते हैं और आपको एक पिक करना होता है, दैट इज दिस वेदर। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, बिकॉज मैंने काफ़ी पहले ही बता दिया था आपको कि आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज एवरी सैटरडे, एंड प्लीज मेक अ सेपरेट नोटबुक सो दैट यू कैन नोट डाउन थिंग्स। नेक्स्ट इज योर एंड योर, अगेन अ वेरी कन्फ्यूज वर्ड। नाउ दिस इज प्रोनाउंस्ड एज योर, बट दिस वन इज विद apostrophe, दोनों का मतलब ये लगे। योर का मतलब होता है तुम्हारा, जब आप सामने आपके पर्सन जो है उससे अगर आप बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि कोई चीज़ उसको बिलोंग करती है, जैसे दिस इज़ योर मार्कर। अगर मैं सामने वाले किसी पर्सन को कह रही हूँ कि थैंक यू फॉर लेंडिंग मी योर मार्कर, तो जब हम बोलते हैं तुम्हारा या किसी का, तो दिस इज़ दैट योर। यू apostrophe आर का मतलब होता है यू आर, विच मीन्स तुम हो। जैसे अगर मैं बोलूँ थैंक यू फॉर योर मार्कर विद apostrophe, अगर मैं किसी को लिख के दूँ तो इसका मतलब निकलेगा कि तुम मार्कर हो। सो यू apostrophe आर का मतलब होता है यू आर, यानी तुम हो। सो योर मार्कर, मैं ऐसे बोल सकती हूँ थैंक यू फॉर लेंडिंग मी योर मार्कर, थैंक यू फॉर लेंडिंग मी योर मार्कर, यू आर अ वेरी गुड पर्सन। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी इट्स एंड इट्स, द सेम रूल अप्लाइज हियर। इट्स मतलब इसका, जैसे द कैट इज लिकिंग इट्स पॉ, यानी बिल्ली अपना पैर चाट रही है, एंड इट्स विद apostrophe मीन्स इट इज, यानी यह है, जैसे इट इज अ मार्क। नेक्स्ट इज एक्सीड एंड एक्सीड, दिस एक्सीड मीन्स टू अग्री टू डू समथिंग या टू गो अलॉन्ग विद समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने के लिए हाँ बोल देना या किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। इस एक्सीड का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ जो है, आई हैव एक्सीड ऑफ मनी, I wish I had, I don't have. It's just an example. Exceed मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का होना। Seventh is flea and flea. Well, this flea means flea market. ये mostly market के साथ ही use होता है. Flea market, for example, I hope a lot of you people know about Sarojini Nagar. It's a flea market. तो ये वो वाला flea है. This flea is भाग जाना कहीं से, दौड़ के चले जाना. जैसे I want to flee to a flea market. नेक्स्ट इज इनसाइट एंड इनसाइट, इस इनसाइट का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, और इस इनसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना या पढ़ना। बाय बाय एंड बाय, आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन, ऑल ऑफ यू नो, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो आई हैव इंक्लूडेड दिस बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं इसमें बहुत कॉमन वर्ड्स रखने वाली हूँ, तो ये बहुत कॉमन है और इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस बाय, बी यू वाई मीन्स किसी चीज़ को खरीदना, बाय मतलब किसी के द्वारा किसी चीज़ को करना, एंड बाई मीन्स किसी को बाय कहना। सो दिस मार्कर इज बॉट, यहाँ पे बाय की थर्ड फॉर्म इज बॉट, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आई बाय दिस मार्कर, विच इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, वैसे बॉट आएगा। तो ये वाला बाय, यानी मैंने इस मार्कर को खरीदा, और बाय मी यानी मेरे द्वारा खरीदा गया, एंड बाय इज दिस वाला बाय। अलाउड एंड अलाउड, दिस अलाउड मीन्स किसी चीज़ की आवाज़ को तेज़ करना, म्यूज़िक को तेज़ करना या ज़ोर से बोलना या अपनी आवाज़ तेज़ बढ़ाना, दिस इज़ दैट लाउड वाला अलाउड। दिस अलाउड मीन्स किसी चीज़ की परमिशन देना। कॉम्प्लीमेंट यानी किसी को किसी चीज़ के लिए बताना कि वो अच्छा लग रहा है, जैसे किसी की तारीफ़ करना, जैसे किसी को ये बोलना कि यू आर रियली लुकिंग प्रिटी टुनाइट, इज़ गिविंग द पर्सन अ कॉम्प्लीमेंट। दिस वन विद आई, द वन विद ई मीन्स जब कोई चीज़ किसी के साथ अच्छे से जाती है, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ किसी की तारीफ करना, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ जब कोई चीज़ किसी के साथ पेयर में अच्छे से जाती है, जैसे खाने के बाद जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हम कह सकते हैं कि डेजर्ट गोज इन कॉम्प्लीमेंट विद मील्स, या फिर किसी ने ब्लैक साड़ी पहनी है, उसके साथ ब्लैक नेकलेस पहना है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस ब्लैक नेकलेस इज कॉम्प्लीमेंटिंग द ब्लैक साड़ी,
यानी इसके साथ अच्छे से पेयर अप हो रही है। जब कोई चीज़ किसी के साथ अच्छे से पेयर अप होती है तो ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है किसी की तारीफ करना। सो अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि यू आर रियली लुकिंग ब्यूटिफुल टू नाइट, ये और ब्लैक नेकलेस इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर ब्लैक साड़ी, तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, ये वाला कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। और जो मैंने नेकलेस के लिए दिया कॉम्प्लीमेंट वो ये था, यानी नेकलेस इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर साड़ी, या योर शूज आर कॉम्प्लीमेंटिंग योर ओवरऑल लुक, या फिर द डिप्लोमा दैट आई एम डूइंग इज कॉम्प्लीमेंटिंग माई डिग्री। दैट नेक्स्ट इज कोर्स एंड कोर्स। इस कोर्स का मतलब होता है सेट ऑफ सिलेबस। जब किसी पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए एक सिलेबस का पूरा सेट बनाया जाता है कि ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये वो वाला कोर्स है जिसे हम अकेडमिक्स में कहते हैं, यानी पढ़ाई के फॉर्म में कहते हैं। इस कोर्स का मतलब होता है रफ या रूड पर्सन या वल्गर पर्सन, तो कोई भी चीज़ जो रफ है या रूड है उसको हम ये वाला कोर्स कहते हैं। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके सिवा या इसके अलावा, जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिस्ट्री, तो यहाँ पे वो वाला एक्सेप्ट होगा। और फाइनली किसी ने मुझे कन्विंस कर लिया और मैंने बोला ठीक है आई स्टडी, तो आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर टू स्टडी हिस्ट्री। सो दीज वर 13 वर्ड्स, एक्चुअली देवर 26 वर्ड्स बट 13 होमोफोन्स जो बहुत कॉमन है इनमें से। आई थिंक ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपने आज तक बोला नहीं है या सुना नहीं है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और फिर भी इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। सो आई होप कन्फ्यूजन इज गॉन बाय नाउ। नेक्स्ट सैटरडे आई कम अगेन विद वन मोर इंग्लिश क्लास। टिल देन टेक केयर, वॉच मोर ऑफ माई वीडियोज एंड आई हैव सम अमेजिंग एजुकेशन कॉन्टेंट कमिंग फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।